गुड मॉर्निंग 10th क्लास। इन लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स रहेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो क्या होता है, फीजन। फीजन फर्दर 2 टाइप्स का रहेगा, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट मल्टीपल फीजन। ठीक है, फीजन का मतलब ब्रेक होना। बाइनरी फीजन में ऑर्गेनिज्म था जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी ब्रेक होके दो हाफ में टूट गई। ठीक है ना, दो हाफ में ब्रेक हो गई थी। अब जो दो हाफ बने थे उनसे क्या हुआ, नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो गई थी। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल फीजन। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल फीजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा टू फॉर्म मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन की जा रही है बाय पेरेंट। और कैसे, डिवाइड करके। कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद क्या किया, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन कर दी। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मल्टीपल फीजन। जहां सिर्फ दो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी वो रहेगा बाइनरी, मोर देन टू मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होगी तो वो रहेगा मल्टीपल फीजन। कैसे होगा देखो, सबसे पहले इसके एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगे, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है और यीस्ट जो कि एक फंजाई है। ये दो एग्जांपल रहेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट प्लाज्मोडियम। क्या होगा, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आई है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, ऐसी कंडीशंस जो फेवर में ना हो। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म लोअर टेम्परेचर पे सरवाइव कर रहा और वहां पे टेम्परेचर हाई हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस को क्या बोला जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन। तो जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आई है, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अराउंड क्या हो जाएगी, एक कैविटी डेवलप हो जाती है। क्या है, कैविटी डेवलप्स अराउंड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मान लो हम प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मोडियम की बॉडी के अराउंड क्या बन जाएगी, एक कैविटी बन जाएगी। और उस कैविटी को क्या बोलते हैं, हम सिस्ट बोलते हैं। कैविटी का नाम क्या रहेगा, सिस्ट। ठीक है, अब ये किसमें होगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ही हो रहा है। इनसाइड द सिस्ट, सिस्ट के एक कैविटी है ना, उस सिस्ट के इनसाइड क्या हो रहा है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म थी उसकी न्यूक्लियस क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। लास्ट वीडियो में हमने अमीबा में डिवीजन पढ़ा था, वहां पे भी सबसे पहले न्यूक्लियस ने क्या किया था, डिवीजन करना शुरू किया था। यहां न्यूक्लियस डिवाइड करेगी, कैसे डिवाइड करेगी, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगी। ठीक है, बहुत बार डिवीजन हो रहा है, मल्टीपल डिवीजन की वजह से ही तो क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। तो न्यूक्लियस ने क्या किया, मल्टीपल टाइम डिवाइड करना शुरू किया, इससे क्या हुआ, मल्टीपल न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी। और जो मल्टीपल न्यूक्लियस बने हैं हमारे पास, उनके सराउंडिंग में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म आ गया। क्या है, साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन होगी उनके सराउंडिंग में। ठीक है, अब कैसे होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ठीक है, पहले कौन सी कंडीशंस आई थी, अनफेवरेबल, अब वापस से क्या आ गई, फेवरेबल कंडीशन आ गई। तो ये जो सिस्ट कैविटी थी, क्या है, जो सिस्ट कैविटी बनी थी, सिस्ट कैविटी कहां बनी थी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सराउंडिंग में, ये सिस्ट कैविटी हो जाएगी ब्रेक। ठीक है, और ब्रेक होने के बाद क्या करेगी, न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिलीज कर देगी। ठीक है, देखिए क्या हुआ, सबसे पहले ये कोई एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास, इस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में कैविटी डेवलप हुई, उस कैविटी को हम बोलते हैं सिस्ट।
सिस्ट डेवलप होने के बाद क्या हो गया, ये जो न्यूक्लियस थी इसने क्या किया, डिवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या कर रही है, डिवाइड कर रही। कैसा डिवीजन किया न्यूक्लियस ने, मल्टीपल डिवीजन किया। तो मोर देन टू टाइम्स डिवीजन और द न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी बहुत सारी, और हर एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या आएगा, साइटोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ साइटोप्लाज्म फिल था। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का लिक्विड कंटेंट। तो हर एक न्यूक्लियस के अराउंड क्या आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, और हर एक न्यूक्लियस के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की धीरे धीरे फॉर्मेशन होना शुरू होगी। अब क्या होगा, जैसे ही ये कैविटी में नंबर इंक्रीज होता जा रहा है न्यूक्लियस का, और दूसरा क्या हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन आ गई, तो ये जो सिस्ट कैविटी थी ये हो जाएगी रप्चर, ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद क्या रिलीज कर देगी, नए ऑर्गेनिजम्स को रिलीज कर देगी। नए ऑर्गेनिजम्स ही रिलीज होंगे ना, न्यूक्लियस ही, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म आया, साइटोप्लाज्म आने के बाद फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हुई। तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई सिस्ट क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। ब्रेक होने के बाद न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, और ये जो नए ऑर्गेनिज्म बने बहुत लार्ज अमाउंट में बने, नंबर ज्यादा, इसीलिए इस टाइप के डिवीजन को क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है बडिंग। नेक्स्ट जो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, टाइप टू बडिंग। ठीक है, बडिंग में क्या होगा, बड की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, बड की फॉर्मेशन होगी। अब ये बड क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, पहले बड फॉर्मेशन हो रही है बडिंग टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें। बड क्या होगा, एक स्मॉल पार्ट है, पेरेंट की बॉडी का वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहा है आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ कोई एक छोटा सा पार्ट पेरेंट की बॉडी का आउटवर्ड्स ग्रोथ कर रहा है, और ये जो आउट ग्रोथ होगी, आउट ग्रोथ का मतलब बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर, क्या होता है आउट ग्रोथ का मतलब बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर, इस आउट ग्रोथ को ही हम क्या बोल देते हैं, बड बोल देते हैं। क्या है बड, एक स्मॉल पार्ट है पेरेंट की बॉडी का जो कि क्या कर रहा है, आउटवर्ड्स ग्रो कर रहा है, और ये जो आउटग्रोथ मिली हमें, बाहर निकली हुई सी स्ट्रक्चर मिली, इसको क्या बोल देंगे, बड बोल देंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे इसके एग्जांपल रहेंगे बडिंग के, यीस्ट और हाइड्रा। ठीक है, तो मान लो ये यीस्ट की बॉडी थी, यीस्ट की बॉडी के बाहर वाली साइड क्या हो गया, एक आउटग्रोथ रिलीज होगी, आउटग्रोथ का मतलब बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर, तो ये आउटग्रोथ को ही क्या बोलते हैं, हम बड बोलते हैं। समझ गए, बड का मतलब क्या है, पेरेंट की बॉडी के बाहर एक आउटवर्ड्स ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, उस बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो बड है ये क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा ना, बड का साइज इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के बाद ये बड जब मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मैच्योर का मतलब फुली ग्रोन हो जाएगा, उसकी ग्रोथ पूरी हो जाएगी, तो क्या होगा, ये बड क्या है, बड डिटैच हो जाएगा। डिटैच का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, डिटैच मीन्स अलग होगा। कब अलग होगा, जब बड पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, बड पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो बडिंग में ये प्रोसेस रहेगी। देखिए, बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है, ये हाइड्रा की बॉडी है, और उसकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इनको बोलते हैं टेंटेकल्स, जो किसमें हेल्प करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अब ये है पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा की बॉडी पे एक आउटग्रोथ डेवलप हुई, आउटग्रोथ का मतलब बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाता है, बड। अब जैसे टाइम पास होगा, बड क्या होगा, ग्रो करना शुरू होगा, मैच्योर होगा, और किसकी तरह दिख रहा, अपने पेरेंट और पेरेंट की जैसे ही दिख रहा, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है हमारे पास उसके जैसा ही बड डेवलप होना शुरू हो गया। देखो, पहले इतना छोटा था, अब ग्रो कर रहा है, और टेंटेकल्स भी अराइज हो गए। अब जैसे ही ये बड फुली ग्रोन हो जाएगा, तो क्या होगा, ये पेरेंट से डिटैच हो जाएगा, डिटैच का मतलब अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी, जो कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसा ही दिखाई दे।
तो इस तरह की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बडिंग का यीस्ट में देखेंगे। यीस्ट में अभी हमने मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल भी पढ़ा था और यीस्ट में बडिंग भी होती है। देखिए यीस्ट क्या एक फंजाई है, ये पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी के बाहर क्या डेवलप हुई, एक आउटग्रोथ। आउटग्रोथ मतलब बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं बड। बड क्या होगा, ग्रो करेगा, मेच्योर होगा, और जब फुली मेच्योर हो जाएगा तो पेरेंट की बॉडी से डिटैच, डिटैच का मतलब होता है अलग होना, और अलग होने के बाद नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से बडिंग होगी। सो फार हम दो टाइप के रिप्रोडक्शन है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, उनको डिस्कस कर चुके हैं। फिजन, फिजन के दो टाइप, बाइनरी और मल्टीपल फिजन। उसके बाद हमने डिस्कस किया आज बडिंग जो कि सेकेंड टाइप है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इजी सारी टॉपिक है, तो अच्छे से आप करेंगे। ओके, थैंक यू।